हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हाउस ऑफ कॉन्सेप्ट्स चैनल पे। तो जैसे आप लोगों को पता है, हम इस चैनल पे अभी एक पूरी डेटा वेयर हाउस की सीरीज बना रहे हैं, जिसकी पहले कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ डेटा वेयर हाउस। हमने समझे थे टाइप ऑफ डायमेंशंस, हमने डीनॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करने वाले हैं डी जनरेट डायमेंशन, जो भी एक डायमेंशन का टाइप होता है। तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी डिफरेंट आईटी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ पाएं। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, डी जनरेट डायमेंशंस। तो सबसे पहले देखते हैं हम डेफिनेशन। डेफिनेशन डी जनरेट डायमेंशन की ये बोलती है कि यह एक मॉडलिंग टेक्निक है, जिसके अंदर हम हाई कार्डिनेलिटी एट्रीब्यूट्स, हाई कार्डिनेलिटी मतलब जिनके अंदर, जिन एट्रीब्यूट्स या कॉलम के अंदर बहुत सारे डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, उनको हम हाई कार्डिनेलिटी बोलेंगे। जिनके अंदर बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज है, बहुत ही यूनिक वैल्यूज हैं जिन कॉलम्स के अंदर, उनको हम हाई कार्डिनेलिटी एट्रीब्यूट्स बोलेंगे। उनको हम प्लेस कर देते हैं अपनी फैक्ट टेबल के साथ। कहने का मतलब है, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी, आप लोगों को पता है कि ओएलटीपी टाइप के डेटाबेस होते हैं, जिनके अंदर हम अपनी डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को स्टोर कराते हैं। उन ट्रांजेक्शन्स के अंदर हमारे कुछ ऐसे कॉलम्स भी होते हैं जिनके अंदर काफी यूनिक वैल्यूज होती हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो एक ऑर्डर नंबर है, तो ऑर्डर नंबर हमेशा यूनिक होगा। तो उन ऑर्डर नंबर्स के वो हम क्या ऐसे कॉलम्स का करते क्या हैं, ऐसे कॉलम्स को हम रादर देन स्टोरिंग एक सेपरेट डायमेंशन की तरह इन डेटा वेयर हाउस, हम उनको फैक्ट टेबल के अंदर ही स्टोर करा देते हैं। आप लोगों को पता है कि हम फैक्ट टेबल्स के अंदर मेजरेबल एट्रीब्यूट्स रखते हैं। कहने का मतलब है, जिन एट्रीब्यूट्स के ऊपर क्वांटिफाइबल, जो एट्रीब्यूट्स क्वांटिफाइबल होते हैं, जिनके ऊपर हम एग्रीगेट फंक्शंस लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि हम ऑर्डर नंबर, इनवॉइस नंबर, ऐसे कॉलम्स को फैक्ट टेबल में क्यों डाल रहे हैं, इनको अलग डायमेंशन में क्यों नहीं रख देते। इसका रीजन ये होता है कि अगर हम इन कॉलम्स को अलग डायमेंशन में रखेंगे, तो एक तो हमारा सरोगेट की हमें बनानी पड़ेगी उन डायमेंशन की, और क्योंकि हमें पता है इन कॉलम्स के अंदर यूनिक वैल्यूज बहुत हैं, तो सरोगेट की इसके स्पेस भी वेस्ट होगा। दूसरी बात, जब हम कोई अपनी रिपोर्ट बनाने जाएंगे, कोई एनालिटिक्स करने जाएंगे, तो हमें ज्वाइन करना पड़ेगा डायमेंशन का। अब अगर ज्वाइन करेंगे, तो क्योंकि डायमेंशन के अंदर यूनिक वैल्यूज बहुत है, तो डायमेंशन का साइज भी बहुत ह्यूज होगा। तो फैक्ट टेबल के साथ ज्वाइन करेंगे तो वो ज्वाइन भी कॉस्टली बनेगा। तो इसी इन्हीं दो मेजर ड्रॉबैक्स की वजह से हम उनको सेपरेट डायमेंशन में नहीं रखते, हम उनको एक फैक्ट टेबल का पार्ट बना देते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, वी विल स्टोर दीज एट्रीब्यूट्स एज अ पार्ट ऑफ फैक्ट टेबल, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ स्पेस विल बी सेव्ड एंड क्वेरी कॉस्ट वुड आल्सो बी रिड्यूस्ड, क्योंकि हम उनको फैक्ट टेबल का ही पार्ट बना दिया है। क्योंकि तो अब क्या होगा, हमारा एक तो सेव स्पेस का सेविंग होगी, और हमें कॉस्टली जॉइंस भी नहीं लगाने पड़ेंगे। तो ये एक ओवरव्यू रहा डी जनरेट डायमेंशंस का। एक अगर मैं आपको अगर आपके पास ऑलरेडी डेटा मॉडल बना हुआ है, और आपको ऐसी कोई डायमेंशंस आइडेंटिफाई हुई हैं जो फैक्ट टेबल की बेस से बढ़ रही हैं, फैक्ट टेबल की बेस मतलब जैसे जैसे फैक्ट टेबल के अंदर मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, ऐसे कुछ डायमेंशंस के अंदर भी मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। आपने पूरा डेटा मॉडल बना लिया है, आपके पास एक डायमेंशन ऐसी है जिसके अंदर रिकॉर्ड्स बहुत फास्ट पेस पे बढ़ रहे हैं। कहने का मतलब है कि एक डायमेंशन और एक फैक्ट के बीच में वन टू वन रिलेशनशिप बनता जा रहा है, क्योंकि वो जो डायमेंशन जो है वो फैक्ट के बेस से बढ़ रही है। तो ऐसी डायमेंशंस को भी हम अपनी डेटा मॉडलिंग को, उसको एनहांस करके, ऐसी डायमेंशंस को भी एक फैक्ट टेबल का पार्ट बना सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं, आप एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल को समझते हैं कि किस तरह से हम इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इस मॉडलिंग अप्रोच को। तो सीधे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो फ्रेंड्स, अब हमने अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल से डी जनरेट डायमेंशन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हो क्या रहा है, हमने एक ट्रांजेक्शनल टेबल ली है अपने डेटाबेस से उठा के। दिस इज आवर ट्रांजेक्शनल टेबल, जिसके अंदर दिस इज एक एक सिंपल ट्रांजेक्शन टेबल है। इसको आप बिल्कुल ऐसे में समझिए कि बिल्कुल ऐसे ही ट्रांजेक्शन टेबल्स बनती है डेटाबेस में। एक सैंपल, एक एक हाइपोथेटिकल, एक हमने एग्जांपल के लिए एक हाइपोथेटिकल ट्रांजेक्शन टेबल बनाई है, जिसके अंदर डेली ट्रांजेक्शंस गिरती हैं इस टेबल के अंदर। तो इस टेबल के अंदर हमारे को, जैसे आप देख पा रहे हैं, हमारे पास ऑर्डर नंबर कॉलम है, इनवॉइस नंबर कॉलम है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, कस्टमर नेम है, ऑर्डर क्वांटिटी है, और ऑर्डर अमाउंट टाइप के कॉलम्स इस ट्रांजेक्शन टेबल में प्रेजेंट है। अब हम करेंगे क्या, इसको ऐसे समझिएगा, जो कस्टमर नेम टाइप का कॉलम होगा, ये पार्ट बन जाएगा कस्टमर डायमेंशन का। अगर हम बात करें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये पार्ट बन जाएगा प्रोडक्ट डायमेंशन का। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ज्यादा यूनिक वैल्यूज नहीं होंगी।
अब हम बात करते हैं ऑर्डर क्वांटिटी और ऑर्डर अमाउंट। ये हमारे क्योंकि एग्रीगेटेबल कॉलम है, क्योंकि इनके ऊपर हम डिफरेंट इन इन कॉलम्स के ऊपर हम डिफरेंट एग्रीगेट फंक्शंस लाइक सम, एवरेज, मिन, मैक्स लगा सकते हैं, तो ये पार्ट बन जाएंगे हमारे फैक्ट टेबल्स के। तो यहाँ तक तो हमारे को कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमें इतना तो हमने सीखा हुआ है कि किस तरह से ओएलटीपी टेबल ईटीएल के बाद डेटा वेयरहाउस में डायमेंशन ऑफ फैक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब बात करते हैं हम दो कॉलम्स की जो बहुत स्पेशल हैं और जहाँ पे हम डीजनरेट डायमेंशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, वो है ऑर्डर नंबर और इनवॉइस नंबर। आप लोगों को पता है कि हर एक ऑर्डर के साथ एक यूनिक नंबर जाता है और एक यूनिक इनवॉइस नंबर जनरेट होता है। तो होगा क्या कि इस ट्रांजेक्शन टेबल के अंदर मल्टीपल ऑर्डर नंबर और मल्टीपल इनवॉइस नंबर बहुत ही यूनिकली आ जाएंगे। तो इनलिए ये कॉलम्स हमारे बेसिकली हाई कार्डिनेलिटी कॉलम होंगे, बहुत ज्यादा मल्टीपल यूनिक वैल्यूज होंगे। तो इन कॉलम्स को रादर देन हम एक डायमेंशन बनाए सेपरेट, क्योंकि किसी दूसरे डायमेंशन का तो पार्ट बन नहीं सकते, क्योंकि ये किसी के साथ रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इनको एक सेपरेट डायमेंशन की तरीके से बना सकते थे। पर हम सेपरेट डायमेंशन क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनके अंदर हाई कार्डिनेलिटी, बहुत ज्यादा यूनिकनेस है, जिससे हमारा, जैसे हमने पहले समझा था, स्टोरेज वेस्ट होता है और साथ ही साथ एक्स्ट्रा ज्वाइन लगाने में उस ज्वाइन की कॉस्ट भी जाती है, उस ज्वाइन भी बहुत कॉस्टली होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस टाइप के कॉलम्स को, इन टाइप के कॉलम्स को हम अपनी फैक्ट टेबल का ही पार्ट बना देते हैं। तो जैसे हमारे फैक्ट टेबल में ऑर्डर क्वांटिटी और ऑर्डर अमाउंट जाएंगे, उसी तरीके से हमारे ऑर्डर नंबर और इनवॉइस नंबर भी फैक्ट टेबल का पार्ट बन जाएंगे, ताकि हमारा ओवरऑल स्पेस सेव हो सके और हमारे ज्वाइंस की कॉस्ट बच सके। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को डीजनरेट डायमेंशन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। आप लोगों को मैं आगे आने वाली वीडियोस में डायमेंशन मॉडलिंग और डिटेल में बताऊंगा, स्टार स्कीमा डिस्कस करेंगे, स्नोफ्लेक स्कीमा समझेंगे, पावर बीआई की एक पूरी सीरीज आने वाली है आप लोगों के लिए दोस्तों। तो आप इस चैनल पे बने रहिए, अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक यू।